तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, हम वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी लेख पार रिजल्ट के बारे में। तो साथियों, इसके हम सिर्फ रिजल्ट की लेकर हम बात करने वाले हैं, क्या रिजल्ट इसका 20 फरवरी तक आ सकता है, तो विद प्रूफ दिखाने वाले हैं। साथियों, देखा होगा आपको, आपने अभी जो यूपी ट्रिपल सी कहीं ना कहीं रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर कर रहा है, अभी जेई का रिजल्ट, जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट भी जारी हो चुका है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट को लेकर। साथियों, आपको बता दूं, दिन में कोई वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ा मैं व्यस्त था, और आपको बता दूं, विद प्रूफ दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखा ही होगा, वो शायद आपको पता भी चल गया होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा जो 19234 जो आपका केस नंबर था, और साथ ही यहाँ पर देख सकते हो, हमने 6:37 पर ये सारी चीज़ें साइट पर डाउनलोड की। यहाँ पर किसी कॉपी वगैरह नहीं किया जाता है कि दूसरे की कॉपी चीज कॉपी करके अपने चैनल पर वगैरह जो कुछ भी डालते हैं, ठीक है। मगर आपको बता दूं, बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है जहां तक पॉसिबल होता है। और आपको बता दूं, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा व्यस्त था, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें बता नहीं पाया था। तो यहाँ पर 24 जनवरी को ये सारी चीज़ देख सकते हो, यानी कि यहाँ पर जो पहले 25 तारीख रखा गया था, 25 जनवरी, मगर इसे 24 तारीख कर दिया गया है। जो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरा और उज्ज्वला वाले प्रश्न पर, उज्ज्वला स्कीम वाले प्रश्न पर कहीं ना कहीं सुनवाई होनी थी, 19234 जो केस नंबर है, यह देख सकते हो इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो इसकी अब जो सुनवाई होगी, यानी कि वो 24 तारीख होगी। तो कहीं कि ये आपके लिए कहीं पॉजिटिव है, पॉजिटिव बात कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आपको दिखा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि जो 16951 जो केस नंबर से कनेक्ट किया गया, इसकी भी मतलब एक मतलब केस एक है, इसे कनेक्ट कर दिया गया, तो 24 जनवरी को सुनवाई होगी, ठीक है। यहाँ पर जो यानी कि जो देख सकते हो, और इसे जो नीचे सुनवाई नहीं हुई थी, यहाँ पर देख सकते हो जो लेफ्ट ओवर कर दिया गया था, यानी कि 18 तारीख को इसे लेफ्ट ओवर कर दिया गया था। यहाँ पर मैंने दिखाया भी था आपको विद प्रूफ, यानी कि लेफ्ट ओवर कर दिया गया था, 18 तारीख को सुनवाई नहीं हुई थी, अब इसकी सुनवाई होनी है, यानी कि 24 तारीख को। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, 24 जनवरी को इसकी सुनवाई होनी है, ठीक है। इसकी होनी है या इलाहाबाद हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। अब हम बात करते हैं लखनऊ बेंच की, ठीक है। लखनऊ बेंच की देख सकते हो, यानी कि यहाँ पर यानी कि 7663, इसे भी मैंने 6:38 पर डाउनलोड किया 21 तारीख को, ठीक है। इसकी सुनवाई 25 तारीख को फिक्स है, डेट फिक्स है इसकी, इसकी 25 जनवरी को होनी है। मतलब अब आपके लिए डेट दो इंपॉर्टेंट हो चुकी है, 24 तारीख और 25 तारीख, यानी कि 24-25 तारीख को जो सारी चीज़ सुनवाई वगैरह होंगी। अब आपको बता दूं यहाँ पर रिजल्ट को लेकर, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको दिखा दी, क्योंकि अभ्यर्थी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं मानते, अब ये सारी चीज़ दिखा दी। अब आप बात करने वाले हैं कि 24-25 तारीख को, जैसा कि यानी कि हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि यानी कि 24 और 25, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर रिजल्ट इसका कब तक जारी हो सकता है, क्या इसका री एग्जाम भी हो सकता है, उससे पहले हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो अभी देखा होगा कहीं आयोग ने कहीं 25 तारीख रख दी थी, जो कोर्ट का आया, कोर्ट ने मतलब डेट बढ़ गई थी उसकी, 25-25 कर दी थी, मगर से घटाकर 24 कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो विभाग है ये सारी चीज़ चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारे यूपी वैकेंसी में रिजल्ट आ रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिजल्ट आ गया, RO ARO का आ गया, और जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट आ गया, और बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं, तो उसमें आपका लेखपाल का भी रिजल्ट है। अब ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि ये भर्ती सिर्फ आपको बता दूं, इन जो विवाद वाले प्रश्न हैं, ठीक है, उन्हीं की वजह से ये फंसी चल रही है, फंसी जो फंस रही है, अन्यथा आपको बता दूं कोई दिक्कत नहीं रिजल्ट को लेकर। अब जैसे कि 24-25 तारीख को सुनवाई है, ऐसी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जो निर्णय देखने को मिल जाएगा, पूरी तरीके से विभाग इस पर निर्णय करने वाला है 24-25 तारीख को, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में और लखनऊ बेंच में। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 तारीख होगी और लखनऊ बेंच में 25 तारीख होगी, यानी कि यहाँ पर 3 प्रश्न है और यहाँ पर 2 प्रश्न है, और 2 प्रश्नों को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया था, 7 प्रश्नों पर जो याचिका वाला डाली गई थी, आपत्ति वाले प्रश्न थे, ठीक है। अब रिजल्ट का हम बात करते हैं, तो हालांकि अगर आपको बता दूँ, रिजल्ट आपका फरवरी के महीने में ही आएगा, ठीक है, रिजल्ट आपका फरवरी के महीने में ही आएगा। अब वो आएगा 20 तारीख के बाद, 20 तक कैसे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 20 तक कैसे भी पॉसिबल नहीं है, 20 फरवरी तक कैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर 25 तारीख को भी निर्णय देखने को मिल जाता है, तो 20 फरवरी तक कैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकता। मगर आपको बता दूँ, 20 फरवरी से लेकर बाद, ठीक है, 20 फरवरी के बाद रिजल्ट आपका कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है। जैसा कि लग रहा है कि 24-25 तारीख को सुनवाई हो जाती है, तो फरवरी के अंत तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ये 100% सही होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे ये कह रहे हैं, यानी कि जो रिजल्ट को लेकर और री एग्जाम को लेकर, कि री एग्जाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मगर साथियों, आपको बता, री एग्जाम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि री एग्जाम इसका होगा, ठीक है, री एग्जाम कैसे भी नहीं होगा, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं विभाग भी चाह रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दी हमने, ठीक है, तो रिजल्ट को लेकर आपको बता दिया रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट आपका 100% आपको बता दूँ, फरवरी के अंत तक देखने को मिलेगा, और फरवरी में ही आएगा, बस यही बताना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, कोई भी अपडेट होगी यूपी ट्रिपल सी लेखपाल संबंधित तो सबसे पहले आपको मिल सके। आज मैं थोड़ा व्यस्त था, इस वजह से मैं आपको दिन में ये सारी चीज़ बता नहीं पाया था, ठीक है। तो उसकी डेट चेंज हो गई है, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की 24 तारीख को सुनवाई होगी और लखनऊ बेंच की 25 तारीख होगी। तो धन्यवाद।